कोरोना महामारी में राज्य सरकार ने फंड से पाली की सुमेरपुर विधानसभा के लिए विधायक जोराराम कुमावत की अनुशंसा पर 10 लाख रुपए मंजूर किए हैं, जिस पर विधायक की सहमति पर प्रशासन ने टेंडर निकालकर खाद्य सामग्री के किट तैयार करवाए हैं, जिन्हें प्रशासन ने विधानसभा की कुल 62 ग्राम पंचायतों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्षेत्र सुमेरपुर की 63 ग्राम पंचायतें, 30 ग्राम पंचायतें सुमेरपुर पंचायत समिति में, 24 ग्राम पंचायतें पाली पंचायत समिति में और 9 ग्राम पंचायतें रानी पंचायत समिति में। और पिछले लंबे समय से कोरोना वायरस के संबंध में लॉकडाउन चल रहा है, सारे कामकाज बंद हो गए और कई ऐसे परिवार है विधानसभा क्षेत्र में जिनके आज रोजी रोटी भी उनको नहीं मिल रही है, उनके मजदूरी भी नहीं मिल रही है और उनको खाने के लिए भी कोई पर्याप्त मात्रा में सामग्री नहीं मिल रही है। विधायक कोष से मैंने ये 10 लाख रुपए जारी किए थे और 10 लाख के अभी यहाँ टेंडर निकलवा करके किट बनवाए हैं, जिसमें 2645 किट बने हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत को 42 किट ये यहाँ पंचायत समिति सुमेरपुर के माध्यम से ये सभी पंचायतों में पहुंचा रहे और निश्चित रूप से जरूरतमंदों को ये किट दिए जाएंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मांग के अनुसार मिटिगेशन फंड से जो है पैसा अलॉट किया है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जैसे पाली में जाताड़ में भी हुआ है, तो यहाँ विधायक सुमेरपुर जोराराम जी कुमावत की अनुशंसा पर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए अलॉट हुए, जिसके अनुसार आप उसको कोरोना से लड़ने के लिए कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो माननीय विधायक महोदय से हमने सलाह लेकर के हमने जो है कि खाद्य सामग्री की किट जो है वो बनवाए जाए, तो ऐसे हमने टेंडर निकाल करके खाद्य सामग्री जिसमें आटा है, तेल है, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सारा जो किट बना करके उसका टेंडर निकाला, तो वो 378 रुपये में उसका जो न्यूनतम टेंडर आया उसको हमने टेंडर दिया और वो जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र की हमारे सुमेरपुर पंचायत समिति में 30 ग्राम पंचायतें हैं, अपने रानी की 9 ग्राम पंचायतें और पाली पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतें, ये टोटल 62 ग्राम पंचायतें हैं, तो उन सभी ग्राम पंचायत